बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम। माय नेम इज़ मुशरफ नसीम एंड आई एम योर कंप्यूटर लेक्चरर एंड आई बिलोंग टू APS अस्करी 14 रावलपिंडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो क्लास 10th वी आर डूइंग लेसन नंबर 1 एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर द लेक्चर नंबर 2। यू ऑल आर सपोज टू ओपन द टेक्स्ट बुक ऑफ योर कंप्यूटर साइंस एंड पेज नंबर 11। वी आर गोइंग टू गो थ्रू द एल्गोरिदम, इट्स डेफिनेशन, रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रोग्राम सॉल्विंग, मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एल्गोरिदम? Algorithm means method, procedure, technique or plan. Algorithm is a step-by-step problem-solving method that is easy to understand and follow. It is a set of steps that clearly defines a sequence of operations to solve a problem. Algorithm kya cheez hai? Ek step-by-step procedure hai, step-by-step method hai ya koi plan hai kisi bhi problem ko solve karne ke liye, aur uske kuch hum logon ne points banane hote hain, un points ko ek sequence mein leke chalna jo hai wo algorithm kehlata hai. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो प्रॉब्लम को डिफाइन करना सीखा था, प्रॉब्लम को एनालाइज़ करना सीखा था, उससे रिलेटेड हम लोगों ने पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालना सीखे थे। उसके बाद हम लोगों का सेकंड स्टेप जो है वो एल्गोरिदम का आता है। एल्गोरिदम मैंने बता दिया कि वो क्या चीज़ होती है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो किसी भी एक प्रॉब्लम को एक स्मूथ तरीके के साथ एक सॉल्यूशन तक लेके जाता है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका क्या रोल होगा? एल्गोरिदम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। Computer programming is the process of taking an algorithm and coding it in a programming language. Formulating an algorithm is the first step for developing a computer program. हम लोग बेसिकली करने क्या जा रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की तरफ जो है वो कदम बढ़ा रहे हैं। तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग उसकी जो बेसिक्स हैं वो सीख रहे हैं। उसकी बेसिक्स में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि प्रॉब्लम क्या चीज़ होती है, प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे करना है और उससे रिलेटेड उसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करने और उन बेस्ट कैंडिडेट सॉल्यूशन में से जो है वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो फिगर आउट कैसे करना है। देन हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम लोगों ने प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद हमने उसका एल्गोरिदम जो है वो बनाना है। एल्गोरिदम बनाना क्यों ज़रूरी है? एल्गोरिदम बनाना इस वजह से ज़रूरी है कि अगर हम लोग किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्रॉपरली डिफाइन कर लेंगे, स्टेप्स बना लेंगे, तो हमें उसकी कोडिंग करने में जो है वो आसानी होगी। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर नोइंग द रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एज वी ऑल नो दैट कि हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एल्गोरिदम क्यों सेलेक्ट किया है, ताकि हम लोग इसके स्टेप बाय स्टेप्स जो हैं वो प्रोसीजर को एक स्मूथ वे के साथ कंडक्ट कर सकें। तो उसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि हमने जो एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है कि उसकी एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम जो है वो मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिदम? द प्रॉपर्टी विच रिलेट्स द एल्गोरिदम टू द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्स यूज इन इट। ठीक है कि हम लोगों ने कौन से मैथड्स, कौन सी कंपटिशन जो है वो उनको करते हुए अपने एल्गोरिदम का सोल्यूशन जो है वो निकाला है। एन एल्गोरिदम मस्ट बी एनालाइज टू डिटरमाइन इट्स रिसोर्स यूजेज, दैट इज़ टाइम, मेमोरी एंड स्टोरेज स्पेसेस। हम लोगों ने ये तीन चीज़ें चेक करनी है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो टाइम को किस तरह से मैनेज कर रहा है, मेमोरी कितनी यूटिलाइज हो रही है, इसके अलावा जो स्टोरेज स्पेस है वो कितनी ऑक्यूपाई हो रही है। अगर ये तीनों चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली मैनेज हो रही हैं आपके एल्गोरिदम के अंदर, तो फिर हम लोग कंसिडर करेंगे कि आपका जो एल्गोरिदम है वो एक एफिशिएंट एल्गोरिदम है किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द इक्विपमेंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ द हाई स्पीड मिनिमम मेमोरी यूजेज इज कंसिडर्ड। देर मे बी सेवरल एल्गोरिदम्स फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है जी, किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मैथड्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक सिंपल सी डेली बेस पे एक एग्जाम्पल ली थी कि हाउ टू मेक टी। तो उसके लिए डिफरेंट पर्सन जो होंगे उनके परसेप्शन डिफरेंट होंगी, उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो मैथड है वो डिफरेंट होगा। तो इसी तरीके के साथ हम लोग अगर किसी भी एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं तो उसके बहुत डिफरेंट पॉसिबल सोल्यूशन जो हैं वो हो सकते हैं और वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं।
ठीक है जी। उसके अलावा हम लोगों ने क्या देखना है उसकी एफिशिएंसी के अंदर, हाउ फास्ट अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग एन एल्गोरिदम, कि वो कितनी तेज़ी के साथ जो है वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकती है, डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट एल्गोरिदम। अगर आपका एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट है तो वो मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट जो है वो आपको जनरेट करके देगा। देयर फॉर एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिदम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंपेयर एल्गोरिदम्स एंड कंक्लूड दैट विच वन इज़ बेटर देन द अदर वन। ठीक है, जो हम लोगों ने कैंडिडेट सोल्यूशंस निकाले थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किसी एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सोल्यूशंस जो हैं वो निकाल रहे होते हैं, और उन डिफरेंट सोल्यूशंस में से जो सबसे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है वो हमारा जो है वो बेस्ट जो है वो एफिशिएंट एल्गोरिदम जनरेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। एनालाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स मीन्स कंपेयरिंग एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट मैथड्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। So coming towards the next step, algorithms for solving problem. This section presents algorithms to solve various mathematical problem. This develops skills in finding solutions of problem. तो ये हमारे स्टेप्स हैं जिस तरीके से हम लोगों ने जो है किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और उसका कोड जो है वो जनरेट करना है। स्टेप नंबर वन इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जब तक आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, प्रॉपरली डिफाइन नहीं करेंगे, आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम कमिंग टूवर्ड्स डिसीजन मेकिंग, एंड डिसीजन मेकिंग में हम लोग जो है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं कि हम लोगों ने कौन सी तरह का या किस कैटेगरी का सोल्यूशन जो है उसका निकालना है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यानी कि डिसीजन मेकिंग में हम लोग बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो है उसको फिगर आउट करेंगे। उसके बाद डिज़ाइन एंड एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप उसके प्रोसीजर्स हैं जो कि हम लोगों ने स्टार्ट से लेके एंड तक उसको लेके चलना है, और वो सारे स्टेप्स उसके होंगे। और उसके बाद हम लोगों ने क्या चेक करना है, प्रूव करेक्टनेस। हम लोगों ने ये वेरीफाई करना है, ये ऑथेंटिकेट करना है कि जो एल्गोरिदम हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जनरेट कर रहे हैं वो जो है उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो बन के सामने आएगा, तो उसकी करेक्टनेस जो है वो हम लोगों ने गारंटेड लेनी होगी। उसके बाद है एनालाइज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जो हम लोगों ने जनरेट कर दिया है उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए तरीके अभी मैंने बताए थे कि हमने ये चेक करना है कि हमारा टाइम, स्पेस और मेमोरी जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रही है। दैट मीन्स कि आपका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैक्सिमम आउटपुट जो है वो जनरेट होना चाहिए, देन द एल्गोरिदम कैन बी एन एफिशिएंट एल्गोरिदम। एंड एट द एंड ऑफ दिस स्टेज हम लोगों के पास जो फाइनलाइज एल्गोरिदम होगा, उस एल्गोरिदम की हेल्प के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कोड बना सकते हैं, कोड द एल्गोरिदम। कोडिंग जो है वो क्या होगी, वो हमारे पास फाइनल प्रोसीजर होगा, फाइनल स्टेप होगा जो कि हमें लीड करेगा एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए। चलें तो स्टूडेंट्स हम लोग अब अपनी सबसे पहली प्रॉब्लम नंबर वन जो है उसको चेक कर लेते हैं कि वो किस कैटेगरी की प्रॉब्लम है और उसमें हम लोगों ने क्या काम करने हैं, उसका सोल्यूशन हम लोगों ने कौन कौन से स्टेप्स के साथ जो है वो जनरेट करना है। अगर आप अपनी बुक्स के ऊपर देखें तो प्रॉब्लम नंबर वन जो है दैट स्टेट्स फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ फाइव गिवन नंबर्स। ठीक है जी, आपने क्या करना है, फाइव गिवन नंबर्स आपको मिले होंगे, आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका सम प्रोडक्ट एंड एवरेज कैलकुलेट करना है। तो उसका जो प्लान करना है आपने, सोल्यूशन प्लान करने के लिए आपके पास थ्री मेजर हेडिंग्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। आपने सबसे पहले बताना है कि आपके पास इनपुट जो है वो क्या है, और इनपुट में क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर या प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के अंदर मेंशन किया हुआ है कि जी फाइव गिवन नंबर्स हैं हमारे पास, तो इनपुट क्या हो जाएगी, फाइव गिवन नंबर्स। उसके बाद हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है कि हमने जनरेट क्या चीज़ करनी है, वो भी हमें प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के अंदर से नज़र आ रही है कि हमने सम फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है एंड एवरेज फाइंड आउट करनी है ऑफ फाइव गिवन नंबर्स। एंड उसके बाद प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग जो है वो आपने खुद सोचना है कि जो चीज़ें हमने आउटपुट जनरेट करने के लिए निकालनी है उसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा। सो प्रोसेसिंग के अंदर आपने कौन सी कैलकुलेशंस जो है वो करनी है वो आप मेंशन करेंगे। चूंकि हमने सम करना है तो सम के लिए हमें एडिशन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, एज वेल एज एवरेज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें डिविजन का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर। कमिंग टूवर्ड्स द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम में हम लोगों ने हमेशा करना क्या है कि आप लोग अपनी बुक्स पर देख रहे हैं कि सबसे पहले आपने स्टेप्स मेंशन करने हैं, और स्टेप नंबर वन हमेशा आपका स्टार्ट का होगा, और जो आपका सबसे लास्ट स्टेप होगा वो स्टॉप का होगा, जो कि ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपका एल्गोरिदम फलां स्टेप से स्टार्ट होकर फलां स्टेप तक जो है वो एंड हो रहा है, और इन दोनों स्टेप्स के दरमियान में आपकी जितने भी प्रोग्रामिंग होगी या जितने भी स्टेप्स होंगे, जितने भी एल्गोरिदम्स होंगे, उनको आपने प्रॉपरली सॉल्व करना है। सो
स्टेप नंबर वन के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया और स्टेप नंबर वन के अंदर ही हमने क्या किया, लेट द फाइव नंबर्स बी ए इक्वल्स टू टू, बी इक्वल्स टू फाइव, सी इक्वल्स टू एट, डी इक्वल्स टू फोर एंड ई इक्वल्स टू ट्वेल्व जो है वो ले लिए। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने चूंकि आपके प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के अंदर मैंशन किया किया था कि आपके पास फाइव गिवन नंबर्स हैं, तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास फाइव गिवन नंबर्स हैं, हमने उनको वेरिएबल का नाम ए बी सी डी ई दे दिया और उसको अपनी मर्जी से कोई भी डमी डाटा जो है वो असाइन कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर टू में हमने क्या करना है, हमारा सबसे पहला काम क्या था, अगर आप अपनी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में देखें तो उसमें लिखा है फाइंड द सम। अगर आपको उन्होंने सबसे पहले सम फाइंड आउट करने को कहा है तो आप पहले एवरेज जनरेट नहीं करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फाइंड द सम, स्टेप नंबर टू सेज फाइंड द सम। सम क्या है, सम उन्होंने एक वेरिएबल ले लिया है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उस वेरिएबल के अंदर फाइव वैल्यूज़ को ऐड करके उसका रिजल्ट जो है वो सेव करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग मैथ्स में नॉर्मली करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स या कंटेनर्स की हेल्प ले रहे हैं जो कि हमें हमारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हेल्प आउट कर रहे हैं। उसके बाद स्टेप नंबर थ्री में क्या कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का हम लोगों ने जो वेरिएबल लिया है वो क्या है, पी आर ओ डी, और इसको हम लोगों ने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, ब्रैकेट में मेंशन किया है, ये एक वेरिएबल है। इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग ए स्टारक बी स्टारक सी स्टारक डी स्टारक ई यूज़ कर रहे हैं। याद रहे कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टारक का साइन जो है वो यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर स्टार्स देख के परेशान मत होइएगा कि पता नहीं क्या यहाँ पर सिंबल आ गया है। उसके बाद स्टेप नंबर फोर है, स्टेप नंबर फोर में हमने क्या करना है, फाइंड द एवरेज। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें एवरेज का एक अलग से वेरिएबल ले लिया ए वी जी, और ए वी जी एवरेज का फॉर्मूला हम सबको पता है कि हम लोग जितने भी नंबर्स या जितने भी वैल्यूज़ जो हैं उनकी एवरेज फाइंड आउट कर रहे होते हैं उन सबको आपस में टोटल करते हैं, उनका सम लेते हैं और उनको नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम बाय फाइव। क्यों फाइव क्यों है, क्योंकि हम लोगों के पास फाइव गिवन नंबर्स हैं। उसके बाद स्टेप नंबर फाइव, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कैलकुलेशंस कर ली, हमने सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, और उसके बाद हम लोगों ने उनको आउटपुट जो है वो शो करना है कि सम में रिजल्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, एवरेज में क्या आ रहा है। तो हमने सम प्रोडक्ट एवरेज तीन वेरिएबल्स लिए थे और इनको कैलकुलेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट होगा वो सम प्रोडक्ट और एवरेज में स्टोर होगा, तो हम लोग उसको आउटपुट करवा देंगे, हमारी स्क्रीन के ऊपर उसका रिजल्ट जो है वो शो हो जाएगा और उसके बाद आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा एंड स्टेप सिक्स के ऊपर स्टॉप मेंशन कर देंगे। क्लियर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम नंबर टू, प्रॉब्लम नंबर टू स्टेट्स दैट फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ थ्री अनइक्वल नंबर्स। ठीक है जी, थ्री अनइक्वल नंबर्स हमें इनपुट गिवन है, ठीक है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर, इन तीनों में से हम लोगों ने कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर जो है वो लार्जेस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सोल्यूशन जो है वो प्लान करेंगे। हमेशा प्लानिंग द सोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने तीन मेजर हेडिंग्स जो है वो याद रखिएगा, हमें हमेशा जो है वो देनी होंगी। सबसे पहले हमने मेंशन करना होगा कि इनपुट क्या है। इनपुट हमारे पास है थ्री अनइक्वल नंबर्स। अनइक्वल नंबर्स का मतलब क्या है कि वो उनमें से कोई भी नंबर जो है वो दूसरे नंबर के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है कि उन तीनों नंबर्स में से द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स, सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। और उसके लिए हमें प्रोसेसिंग में क्या काम करना पड़ेगा, कंपैरिजन ऑफ ईच नंबर विद द अदर टू वन बाय वन, ठीक है, कि हम एक एक नंबर को जो है वो लेंगे और एक नंबर को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, उन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो हम लोग अपने पास रख लेंगे और जो छोटा होगा उसको इग्नोर कर देंगे, एंड देन जो हमारे पास हम लोगों ने बड़ा नंबर रखा होगा उसको कमिंग नंबर के साथ या थर्ड नंबर के साथ अगेन कंपेयर करेंगे, उन दोनों में से जो बड़ा होगा हम लोग उस नंबर को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा के और उसको हम लोग स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा लेंगे। सो स्टेपिंग टुवर्ड्स द एल्गोरिथम, स्टेप नंबर वन सेज, हम लोगों ने स्टेप नंबर वन में हमेशा क्या करना है, हम लोग हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट का कीवर्ड लिखा और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या करना है, हमेशा जब भी आप कोई वेरिएबल्स जो हैं वो लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास चूंकि वैल्यूज़ नहीं हैं, कोई वेरिएबल्स नहीं हैं, तो आप अज्यूम करेंगे लेट द थ्री नंबर्स बी ए इक्वल्स टू 10 एंड बी इक्वल्स टू 20 एंड सी इक्वल्स टू 30। आप कोई भी अपनी मर्जी से वेरिएबल्स भी ले सकते हैं और उन वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यूज़ आप अपनी मर्जी से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे वैल्यूज़ या वेरिएबल्स मेंशन ना किए हुए हों तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। स्टेप नंबर टू, चेक इफ़ ए इज़ द लार्जेस्ट नंबर। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग पहले दो नंबर्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे, पहले ए और बी को चेक करेंगे कि क्या ए बड़ा है बी से या नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने कंडीशन यहाँ पे लगा दी है। कंडीशन हम लोग चेक कैसे करते हैं, कंडीशन के लिए यहाँ पे कीवर्ड इफ़ लगा हुआ है और ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा।
इफ का कीवर्ड लगा है, इफ के बाद हमने लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ पे यूज किया हुआ है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या चेक करना है कि अगर ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, अगर ए बी और सी दोनों से बड़ा है तो फिर हम लोगों का डिसीजन क्या होगा कि द लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, ए। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी देन लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू ए, अदरवाइज गो टू स्टेप फोर। अदरवाइज गो टू स्टेप फोर क्या कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग कोई दूसरा स्टेप जो है वो चूज करेंगे यहाँ पे। तो स्टेप नंबर फोर के ऊपर जाके अगर हम लोग देखें तो हम लोग वहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर ए नहीं बड़ा तो शायद बी बड़ा होगा। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, गो टू स्टेप फोर के बाद स्टेप नंबर थ्री में क्या कह रहा है कि गो टू स्टेप सेवन, के स्टेप नंबर थ्री क्या कह रहा है कि अगर इसका स्टेप टू का रिजल्ट ए इज़ ग्रेटर या ए इज़ लार्जेस्ट आ जाता है तो फिर स्टेप नंबर थ्री में वो क्या करना है कि हमने ए को जो है वो लार्जेस्ट डिस्प्ले करवा देना है, जो कि स्टेप नंबर सेवन पे मेंशन किया हुआ है। स्टेप नंबर सेवन सेज आउटपुट लार्जेस्ट। लार्जेस्ट एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम लोग लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो स्टोर करवाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने स्टेप नंबर फोर पे देखना है, पहले हम लोगों ने ए को चेक किया फिर हम लोग बी को चेक करेंगे, अगर ए जो है उसका रिजल्ट लार्जेस्ट में नहीं आ रहा तो फिर हम लोग बी के वेरिएबल को चेक करेंगे कि क्या बी का वेरिएबल ए और सी से बड़ा है या नहीं है। स्टेप नंबर फोर में क्या हो रहा है कि चेक इफ़ बी इज़ द लार्जेस्ट नंबर, तो उसके लिए हमने क्या करना है, कंडीशन का इफ़ कैपिटल लेटर्स में एंड देन हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। अब यहाँ पे दरमियान में एंड का सिंबल लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि इन दोनों कंडीशंस का जो है वो एट द सेम टाइम ट्रू होना जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कि बी जो है वो ए से भी बड़ा होना चाहिए और बी जो है वो सी से भी बड़ा होना चाहिए, देन द लार्जेस्ट नंबर वुड बी इक्वल्स टू बी। अगर बी जो है वो दोनों वेरिएबल से बड़ा है तो फिर हम लोग लार्जेस्ट के वेरिएबल में बी की वैल्यू को स्टोर कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता, अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर सिक्स एंड द स्टेप नंबर सिक्स सेज दैट द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू सी। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों ने ए को भी वैलिडेट कर लिया और बी को भी वैलिडेट कर लिया कि क्या ए बड़ा है या बी बड़ा है। अगर ए बड़ा नहीं हो रहा तो फिर हम लोगों ने बी को चेक किया, और अगर बी भी चेक नहीं जो है वैलिडेट नहीं हो रहा तो फिर ऑटोमेटिकली हम लोग सी जो है वो उसको लार्जेस्ट कंसिडर कर लेंगे, बजाय इसके कि हम लोग सी के लिए अलग से कंडीशन जो है वो अप्लाई करें। तो हम लोगों के पास पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि हम लोग पहले दो को चेक कर लें, अगर दो जो है वो लार्जेस्ट की कैटेगरी में नहीं आ रहे तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड रिमेनिंग होगा वो लार्जेस्ट होगा। तो स्टेप नंबर सिक्स के अंदर हमने क्या मैंशन कर दिया कि लार्जेस्ट इक्वल्स टू सी, एंड स्टेप नंबर सेवन आउटपुट लार्जेस्ट, यानी कि हमारे पास लार्जेस्ट के वेरिएबल में जो भी वेरिएबल की वैल्यू आई हुई है वो हम लोग अपने स्क्रीन के ऊपर शो कर देंगे। एंड स्टेप नंबर एट सेज स्टॉप, यानी कि यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम स्टॉप हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को एल्गोरिथम जो है उसकी समझ में आ गई हो, और उसके बाद आप लोगों ने आज करना क्या है कि आपने प्रॉब्लम नंबर वन से लेकर प्रॉब्लम नंबर फाइव तक जो है वो सॉल्व करनी है, और उसमें अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और ये सारे की सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करनी है और इनको अपनी लिस्ट शीट्स के ऊपर जो है वो सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।